अर्ली मॉर्निंग वाली ड्राइव अगेन ऑन आरुष डिमांड. Hope you like our lovely video. Hello everyone. A very good morning to all of you. Subah ki ram ram aap sabhi ko. So pehle chal ke Arush ke liye breakfast ki preparation karte hain. Uske liye kuch breakfast banate hain. पेट पूजा कराते हैं उसके बाद आपको कुछ दिखाते हैं. अमेजोन से कुछ उसके स्टडी रिलेटेड कुछ सामान मंगाया था. सो आई विल शेयर विद यू गाइस. और आरुष को भी उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं. तो चलिए फिर कम. आज आरुष के लिए क्या आया? बुक. अब आरुष बिग बॉय हो गया है तो अब आरुष के लिए लेटर्स एंड नंबर ट्रेसिंग की हमने ये बुक मंगाई है अमेजोन से प्रैक्टिस कराने के लिए. बिकॉज स्कूल का तो कोई भरोसा नहीं है कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे. और उसने तो अभी तक स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया है सीरियसली बिकॉज ऑफ कोविड. लास्ट ईयर जाना था प्री स्कूल बट ड्यू टू कोविड जा नहीं पाया बेचारा मेरा बच्चा. सो दिस ईयर होपफुली ही विल स्टार्ट हिज kindergarten from September onwards, September 2021. So अभी क्या करें हम घर बैठे है ना आरुष क्या करें? ये हमको तो हम ये करेंगे प्रैक्टिस करेंगे. Did it properly आरुष? Okay. यहाँ से करो यहाँ से. Let's start number tracing. Shall we start? Wait. First, tell me what is this? N. Hmm. U. Hmm. N. M. O. N. M. M. B. Lowercase E. Lowercase B. Right. Lowercase E. Lowercase E. And this is? Lowercase R. R. Yep. Keep it up, Arush. Very good. T-R-A-C-I-N-G. So what is this? Tracing. So we'll start number tracing today, okay? Chalo. A.
सो देखा आपने आरुष को पढ़ाना कितना डिफिकल्ट टास्क है सीरियसली, स्पेशली इसको बिठा के, इसको लाइक फन वे में अगर आप इसे कुछ लर्न करा रहे हो, कुछ पढ़ा रहे हो तो ही विल बी मोर हैप्पी, बट अगर इसको बिठा के पढ़ाना इज लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम एंड फॉर मी ऑल्सो. एनी वेज इट्स ओके, डे वन था तो मे बी टाइम के साथ रहते रहते चीज़ें चेंज होंगी, आरुष में इम्प्रूवमेंट होगा. और मतलब इसको मैंने पहले भी लाइक ये तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था राइटिंग प्रैक्टिस का, बिकॉज अब भी मंगाया है, अब स्टार्ट किया है. इससे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ये सब चलता था, तो वो तो ठीक है, वो घूमते फिरते मस्ती करते वो कर लेता था, बट स्पेशली अल्फाबेट का ये राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ा लाइक इट विल टेक टाइम, बट इट्स ओके. और बाकी इसको दूसरी चीज़ें जैसे मैंने वेजिटेबल्स और शेप्स एंड ऑल, ये तो इसने मतलब ऑब्वियसली उसको हम फन वे में सिखा सकते हैं. तो अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी हाउ आई टॉट हिम ऑल यू नो शेप्स एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऑल दीज थिंग्स. और अगर नहीं तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड कर दूंगी. और फिलहाल अभी हम आए हुए हैं, कुछ हमारा पिकअप था तो वो करने आए हैं, तो वो पिकअप करते हैं एंड देन अगर आपको दिखाती हूँ मैं फिर हमने क्या शॉपिंग करी है. और अगर आपको सब देखने के बाद ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए. सो दीज आर दी स्टफ्स वी बॉट इट अगेन फ्रॉम आइकिया, किचन कंटेनर्स, ये सब एयर टाइट हैं एंड ग्लास के हैं. ऐसे भी पहले मैंने 10 या 12 का सेट हमने पहले भी लिया था एंड 4 अभी और ले लिए हैं. उसके अलावा ये स्मॉल साइज़ के, ये सब एयर टाइट हैं, ये इस तरह के, तो आप इसको लंच बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर होता है खाना वगैरह वो भी आप इसमें रख सकते हैं फ्रिज में. तो ये भी लिए हैं हमने 6 का सेट. और वो जो लास्ट टाइम मैंने 4 बास्केट्स दिखाई थी वैसी बड़े साइज में 2 और लेके आई हूँ. उसके अलावा ये स्पून्स ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने किचन के ड्रॉअर में रख दो ताकि हर तरह की स्पून्स साथ अपनी दिक सिस्टम है टिक भी लगे और अच्छी भी लगे और ज़्यादा ढूंढने में दिक्कतें भी ना हो. तो अलॉन्ग विद दिस हमने ये कटलरी सेट भी न्यू लिया है जिसमें छोटी स्पून एंड फोक एंड बिग स्पून फोक नाइफ ये सब कुछ है, ताकि इसको सीधे उठा के आप अपने ड्रॉअर में रख दीजिए एंड सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन दिखे. एंड उसके अलावा ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी, ये देखिए ये बास्केट है ना प्रीति, ये देखिए पिकनिक बास्केट, इसको भी आप अपने किचन में यूज़ कीजिए, इसमें फ्रूट्स रखिए और नहीं तो पिकनिक पे जाइए, इसमें अपने खाने पीने की चीज़ें रखिए एंड लेट्स गो. जस्ट लुक एट दिस बास्केट, सो नाउ आइकिया इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग स्टोर बिकॉज सीरियसली मटीरियल इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है.